आए हुए हैं माँ भुवनेश्वरी मंदिर, यह ऋषिकेश से करीब 25 किलोमीटर नीलकंठ महादेव मंदिर है, और उस महादेव मंदिर के बाद वहाँ से 3 किलोमीटर माता भुवनेश्वरी का मंदिर है, जहाँ माता रानी का साक्षात दर्शन होता है, और इस परिसर में बैठे हुए हैं। और माता मंदिर प्रांगण में हम लोग पहुँचे हुए हैं। हमारे बीच बैठे हुए हैं श्री दिनेश सिंह बिसेन जी और उनकी पत्नी श्रीमती बबीता बिसेन, और हमारे वाराणसी से आए हुए श्री नीरज सिंह जी। कैसा लग रहा है भैया आपका महादेव मंदिर के बाद दर्शन करने के उपरांत? बोले भैया कुछ बताइए यहाँ मंदिर प्रांगण के बारे में, कैसे आना हुआ यहाँ पे, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसे पहुँचे हैं यहाँ पे, उसके बारे में कुछ दो शब्द बोलिए आप। इस मंदिर प्रांगण में आप पैदल चल के आए हुए हैं, जबकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग सारे से चले आए। आप लोग की कृपा से, बाबा नीलकंठ महादेव कृपा से, माता भुवनेश्वरी देवी कृपा से, आप लोगों के सहयोग से आज यहाँ आना बड़े सौभाग्य की बात है। बाबा नीलकंठ महादेव दर्शन करने बाद माता पार्वती जी का दर्शन करने आए हुए हैं, जिन्हें यहाँ माता भुवनेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। यहीं पे हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी श्रीमान महाराजा अधिराज योगी आदित्यनाथ की बहन की भी एक छोटी सी प्रसाद की दुकान है, यहीं पे वो अपना रोजगार करके जीवन यापन करती हैं। जय मां भुवनेश्वरी की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता रानी। मेरे यहाँ से हो गया ट्रांसफर, ये है माता रानी का दरबार। ये माता रानी परिसर से पहाड़ियाँ हैं, इसका दर्शन कर सकते हैं। जय माता रानी।